अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नसीर रदा कादरी, हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नाजरीन, मैं आया हूँ नागपुर की एक और दरबार में, आया हूँ मीठे नीम वाले बाबा रहमतुल्लाह की बारगाह में। तो नाजरीन, मुझे दो यहाँ से मुख्तसर से सरकार की हिस्ट्री मिलेगी, तो मैं आपको वीडियो के जरिए से बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं, बैक कैमरे से आपको यहाँ के खूबसूरत मनाजिर दिखाता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वली कामिल की बारगाह की ज़ियारत करेंगे, जिनके वसीले से अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो उसकी नेक और जायज़ दुआ कबूल होती है, और इनके वसीले से हर एक मन्नत और मुराद पूरी होती है। और इन औलिया अल्लाह की बारगाह में ला इलाज को शिफा मिल जाती है, और परेशान हाल की परेशानी दूर हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो काला जादू और जिन्नात की पकड़ में होते हैं तो ऐसे लोगों को भी यहाँ से शिफा मिल जाती है। नाजरीन, इन औलिया अल्लाह की बारगाह में एक ऐसा नीम का पेड़ है, जैसे कि आपको पता है कि नीम की तासीर कड़वी होती है, लेकिन नाजरीन इस दरबार में एक ऐसा नीम का पेड़ है जिसकी नीम की पत्ती मीठी है, सुबहान अल्लाह। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं औलिया अल्लाह की इसी करामती बारगाह की ज़ियारत करेंगे, और जितनी भी मालूमात हमें इनकी बारगाह से मिलेगी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाजरीन, अभी आप जिन औलिया अल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन औलिया उर्फ मीठे नीम वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक महाराष्ट्र के इलाके नागपुर के सिविल लाइन हाईवे के किनारे पर मौजूद है। नाजरीन, हज़रत सैयद जलालुद्दीन औलिया उर्फ मीठे नीम वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक कम से कम 212 साल पुराना आस्ताना है, और अभी जो उर्स आने आला है वो 213वां मनाया जाएगा। और आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने का शुमार नागपुर के पुराने आस्थानों में किया जाता है। और नाजरीन, इन औलिया अल्लाह के दरबार के ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कि हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात ज़िंदगी में आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आया करते थे। और एक बार किसी ने आपसे पूछा, आप यहाँ पर क्यों आते हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ये हमारे बड़े भाई हैं। तो नाजरीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जिनको हज़रत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बड़ा भाई कहा है तो इनका मकाम कितना बड़ा होगा, इनका मर्तबा कितना बड़ा होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये जो भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं, यहाँ से हमें जो मिली है, हम इस वीडियो के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप रहमतुल्लाह अलैह को मीठे नीम वाले बाबा क्यों कहा जाता है? आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक नीम का पेड़ है, जो हयात ज़िंदगी में आप रहमतुल्लाह अलैह उसको टेक लगा कर इबादत किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उस नीम के पेड़ की जो पत्ती थी उसे मीठी कर दी, सुबहान अल्लाह। लेकिन नाजरीन, अभी लेकिन उस पेड़ पर पत्ती नहीं पड़ती है, आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में खाली अभी जड़ मौजूद है। अगर आप ज़ियारत करना चाहते हैं तो आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक से वो जड़ लगी हुई है, आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाकर उस पेड़ के जड़ की ज़ियारत कर सकते हैं, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को मीठे नीम वाले बाबा कहा जाता है। आप बड़े ही बहादुर जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज भी जिंदा करामतें ज़ाहिर होती है। आज भी आपकी बारगाह में जिन्नातों, भूत, परीत, शैतानी असरात को दूर किया जाता है, और काला जादू जैसे आमाल को ख़त्म किया जाता है। और आपकी बारगाह में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग हाजिर होते हैं और फैज़ हासिल करते हैं, और आपका उरूस शरीफ रजब के महीने में बहुत ही शान शौकत से मनाया जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल और हज़रत जलालुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से हम सब की नेक जायज़ मुराद पूरी अता फरमाए।
और हम सबको अपने घर की और अपने नबी के दर की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। नाज़रीन इससे पहले हमने नागपुर के काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, ताजुद्दीन औलिया, सरवर साहब बाबा और हज़रत सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह का दरबार का वीडियो। तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को भी आप लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर नाज़रीन आपके इधर भी ऐसी कोई दरगाह हो, अगर आप वीडियो शूट कराना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है नसीम रज़ा कादरी। तो हम आपके इधर भी आएंगे और ऐसा खूबसूरत सा वीडियो शूट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप वीडियो के ताल्लुक से कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट्स आप ज़रूर करें। हज़रत सैयद साहब जलालुद्दीन मिठन साहब की दरगाह है, इसका एड्रेस है सिविल लाइन विधान भवन नागपुर। कि बाबा की दरगाह 212 साल पुरानी है और उसके बाद में धारा बाबा ने जब पर्दा कर लिए थे उस समय बाबा ताजुद्दीन सरकार हयाती में थे, और जब ताजुद्दीन सरकार इसी दरगाह में आके हमारे खड़े रहते थे तो लोग उनको पूछते थे कि भाई बाबा आप यहाँ क्यों आते हैं, तो बाबा जवाब देते थे कि ओ जी बाबा ये हमारे बड़े भाई साहब हैं इसलिए हम यहाँ आकर थे। आपको ये सोचना चाहिए कि जिस ताजुद्दीन बाबा की दरगाह के लिए दर्शन के जियारत के लिए जो लोग पूरे इंडिया से दर्शन के लिए आते हैं, जियारत के लिए आते हैं, वही ताजुद्दीन बाबा जब हमारे बाबा ताजी मीठे सरकार के पास में आते हैं और जब बोलते हैं कि हम इनके ये हमारे बड़े भाई है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो ताजुद्दीन बाबा इतने बड़े वली औलिया है जब यहाँ आते थे, बाबा हमारे बाबा मीठे सरकार का कितना बड़ा रुतबा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। दूसरा कि अंदर में एक नीम का झाड़ है, अच्छे बड़ा खोड़ है लगा हुआ, इसकी पत्ती वगैरह सब अड़ गए, सिर्फ जड़ रखी हुई और लकड़ा रखा हुआ है। जब बाबा साहब यहाँ पर बैठते थे, तपस्या करते थे, इबादत करते थे, उसी की वजह से यहाँ पर उसकी जो नीम की पत्ती थी वो जो कड़ी होती है वो मीठी हो गई थी, नॉर्मल हो गई, तो मतलब ना कड़वी ना मीठी ऐसी हो गई थी, ऐसा कहते हैं। एक बात ये हो गई, तो इसी से बाबा का नाम पड़ा है हजरत मीठे नीम बाबा सरकार बोलते हैं। मीठे नीम दरगाह ही पहचान में आती है। जैसा आप ही लोग यहाँ जब यहाँ शूटिंग करने आए, आपके साथ में चार लोग आए, आपको इसी का बात का फायदा पता चल जाएंगे। आप यहाँ से जब निकलेंगे और जब उसके बाद आपके जो जो मुरादें होंगी, जो जो परेशानी है आपकी नहीं क्लियर होंगी, तो मेरे नाम को बदल दीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। आप ये बात को एहसास करेंगे और इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। बुजुर्ग की करामत के हिसाब से जितने जाए सेंट्रल जेल में कोर्ट कचहरी के काम है, बाबा साहब उसको भी फैज देते हैं, और आने जाने वाले लोगों की मुरादों जैसी अला बला है उनको भी दूर कर देते हैं। काफ़ी तकलीफें परेशानी जितने मुश्किल के मारे हैं, बाबा साहब की बारगाह रिसालत से काफ़ी फैज होता है। बाबा जलालुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का सालाना हर साल यानी उरूस रजब के महीने में होता है, रजब के महीने में होता है, उरूस शरीफ के रजब के महीने में, और 6 माई उरूस बाबा ताजुद्दीन के 22 मुहर्रम से चालू होता है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।